में हम बात करने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको इस तरीके से इशू आता है, समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, तो इस इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस इशू को सॉल्व करने के लिए सर्वर वगैरह इशू वगैरह आ जाते हैं तो डाउन हो जाता है सर्वर वगैरह, समथिंग वेंट वगैरह कि फीचर पे किसी में इशू दिखाने लग जाता है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले सलूशन इसका यही है कि फीचर में अगर ये इशू आ जाता है तो अपडेट मांगता है आपका टर्म्स एप्लीकेशन। तो प्ले स्टोर में जाइएगा सबसे पहले और यहाँ पर टर्म्स एप्लीकेशन को सर्च कर लीजिएगा और अपडेट कर लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है, अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद फिर बैक लाइए और अपनी जो है फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए, नेटवर्क इंटरनेट पर जाइए, एरोप्लेन मोड को लगा दीजिए एक दफ़े, बंद कर दीजिए और सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स सबसे नीचे जाइए टाइम जोन के अंदर सिस्टम में जाने के बाद, और यहाँ पर बिल्कुल टाइम जोन सही से सिलेक्ट कर लीजिए, यूज़ नेटवर्क प्रोवाइडेड पर टिक करके लगा दीजिए और टाइम जोन पर भी टिक करके लगा दीजिए। उसके बाद अपने फ़ोन को बंद करके खोलिएगा और फिर जो इशू आ रहा होगा आपको टर्म्स एप्लीकेशन में, समथिंग वेंट रॉन्ग वगैरह वगैरह का इशू, वो फिर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इशू रहता है बस इसका, अगर इस तरीके से आप सही से करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।